ये देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पार्षद पुत्र ने नगर परिषद में मचाया हड़कंप। वर्धा में मिली जानकारी के अनुसार अमृत योजना का कार्य शहर में शुरू है। पालिका द्वारा नियुक्त ठेकेदार इस कार्य की ओर से अनदेखी कर रहा है, यह आरोप नागरिक लगा रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को प्रभाग क्रमांक 15 की पार्षद राधा चरण सिंह चावरे की ओर स्थानीय नागरिकों ने शिकायत कर अपना असंतोष जताया। इस बात को लेकर पार्षद पुत्र डॉक्टर सुनील चावरे मंगलवार को जलपूर्ति अभियंता से मिलने नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। चर्चा के दौरान शाब्दिक विवाद बढ़ने से गुस्साए पार्षद पुत्र ने टेबल, कुर्सी व कंप्यूटर की तोड़फोड़ शुरू कर दी। अभियंता नीलेश नंदनवार से भी मारपीट की। यह घटना सामने आते ही नगर परिषद कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर प्रभाग क्रमांक 18 में स्वास्थ्य कर्मी SI नवीन गोन्नाडे साफ सफाई का जायजा लेने सुबह 9:30 बजे पहुंचे थे। इस दौरान क्षेत्र के पार्षद कैलाश राखड़े ने परिसर में नियमित घंटा गाड़ी नहीं आती ऐसा कहते हुए उनसे विवाद शुरू किया। इतना ही नहीं तो स्वास्थ्य निरीक्षक गोन्नाडे की पिटाई शुरू कर दी। इस प्रकरण में नगर परिषद के अभियंता नीलेश रमेश नंदनवार की शिकायत पर शहर पुलिस ने पार्षद पुत्र डॉक्टर सुनील चावरे के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं पार्षद राखड़े के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कर्मी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नगर परिषद कर्मचारी संगठन का कलम बंद आंदोलन। इन दोनों घटनाओं के बाद नगर परिषद कर्मचारी व अधिकारियों ने असंतोष जताते हुए कलमबंद आंदोलन शुरू कर दिया है। दोनों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने की मांग की। अन्यथा शहर में स्वच्छता सेवा व जलपूर्ति सेवा बंद रखकर आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी नगर पालिका कर्मचारी संगठन ने की। तालमोल रवैये से हुआ संतप्त चावरे। पार्षद पुत्र डॉक्टर सुनील चावरे ने बताया कि प्रभाग क्रमांक 15 तेलीपुरा में हनुमान मंदिर समीप दिघोरी के मकान की चाल में 20 मकान है। उन्हें 1.5 वर्ष से पेयजल नहीं मिल रहा था। स्थानीय गरीब जनता ने कई बार शिकायतें की किंतु किसी प्रकार की उपाय योजना नहीं हो रही है। इस संबंध में अभियंता से पूछताछ करने पर उन्होंने असभ्य बर्ताव किया। चुनाव के बाद काम को देखेंगे ऐसा कहकर साहब से बात कर लो, इस प्रकार का जवाब दिया। मुझसे विवाद करने के कारण मैंने संतप्त भूमिका अपनाई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।